हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हरीश चौधरी के जन्मदिन पर बायतू में हुआ भव्य ऐच्छिक रक्तदान शिविर, सैकड़ों रक्तदाताओं का उमड़ा सैलाब। कांग्रेस के पंजाब व चंडीगढ़ प्रभारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी का 52वां जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। हरीश चौधरी उदयपुर में कांग्रेस नव संकल्प शिविर में व्यस्त होने के चलते अपने क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसके बावजूद भी बायतू में विधानसभा मुख्यालय पर युवाओं ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कर रिकॉर्ड अपने नाम किया। शिविर में सैकड़ों युवाओं ने अपना रक्तदान कर अपने नेता हरीश चौधरी का जन्मदिन मनाया। इसके अलावा बाड़मेर जिले के सेडवा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, साथ ही कई जगहों पर दान पुण्य के काम किए गए। बायतू में आयोजित रक्तदान शिविर में प्रभारी मंत्री सुखाराम विश्नोई, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी भी पहुंचे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री विश्नोई ने कहा कि हरीश चौधरी की छवि एक जन नेता की रही है, जिसके चलते ही उनके जन्मदिवस पर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और युवा बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेशन का पुण्य काम कर रहे हैं। वहीं जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि हरीश चौधरी का आमजन के प्रति स्नेह प्रेम ये दर्शाता है कि आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर जिले भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खान, बायतू प्रधान सिमरा थाराम बेलीवाल, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा, गिड़ा प्रधान जानकी चौधरी, NSUI के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, शिव प्रधान महेंद्र जानी, पूर्व जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। वहीं इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर बायतू विधानसभा क्षेत्र सहित बाड़मेर जिले की कई ग्राम पंचायतों में सरपंचों और ग्रामीणों द्वारा परिंडे लगाए गए, पक्षियों के लिए चुग्गा भी डाला गया। ग्राम पंचायत खरंटिया, बोड़वा, अगदड़ा, खोतो की ढाणी, भोजासर, नोसर, बुटसरा, गोदारा का सरा में कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।